गाइस क्या हाल है मैं हूं बोल्ट एंड मैं फिर से आ गया हूँ मार्वल एवेंजर्स पार्ट फोर में गाइस गाइस कल मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि आयरन मैन ने जो सूट कल पहना था उस सूट का नाम क्या है तो बहुत ही कमेंट मिले मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिले ठीक है बहुत सारे कमेंट्स मिले ठीक है लेकिन सिर्फ एक ही बंदे ने करेक्ट आंसर दिया था और उस बंदे का नाम है वाविया शर्मा गाइस उसने कमेंट करा था मेक शिफ्ट आर्मर एंड ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस उसका है एकदम सही जवाब so आप लोगों से और एक सवाल पूछने वाला हूं, तो गेम को अभी स्टार्ट करते, बीच में पूछेंगे, और अगर करते हैं, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा देखते हैं तो सीधा जाने को बोल रहे हैं हल्क भी है और कमला खान भी है कमला खान देख सकते हो कैसे बैठी हुई है यहाँ पे तो है hey, कमला खान तो ऐसी बैठी है तो चलो ब्रूस बैनर क्या कर रहा है तो अच्छा, मतलब बिजी है तो मुझे अपना काम ही कर लेना चाहिए है ना तो कर लेते हैं अपना काम देखते हैं कौन सा वाला काम पता नहीं ओहो ये क्या चीज है यह तो फूट गया है भाई okay, Jarvis, चार सब कुछ हेल्प करता है एंड गाइस देख सकते हो सामने की तरफ है प्लेन uh, तो शायद से आयरन uh, मैन इस सी प्लेन के साथ कुछ करने वाला है लेट्स सी कहां पे जाना पड़ेगा शायद से कुछ फिक्स करने के लिए आया है यस yes, भाई साहब टोनी स्टार को भाई शौक का कोई फिकर ही नहीं भाई हम होते तो यार मेन स्विच ऑफ करते ट्रांसफार्मर ही ऑफ कर देते हमारा बस चले तो ओके okay गाइस हम लोग कमला खान के वहां पहुंच चुके हैं कमला खान शायद से अपने रूम में होगी आप लोग देख सकते तो कमला खान प्राइवेट क्वार्टर्स तो लड़कियों के रूम में तो जाना नहीं चाहिए लेकिन शायद से कमला खान कुछ खतरे में होगी तो लेट्स सी क्या होता है गाइस ओ सॉरी hey. ओह trying... कमला खान ने अपना एक नया कॉस्ट्यूम बना लिया है आप right, लोग देख सकते हो कमला खान ने अपना नया सूट बनवा लिया है। वाह। yeah, गिफ्ट देना चाहिए ना क्योंकि टोनी स्टार तो हर किसी को एक सूट गिफ्ट करता ही है स्पाइडरमैन को भी गिफ्ट करा था एक बहुत ही बढ़िया वाला सूट आयरन स्पाइडर सूट है ना? Oh, it's a bikini.

तो वो चीज भी अच्छा दिखने लगेगा गाइस दैट इज ए वेरी ट्रू सिंग जो टोनी स्टार्क बोला है guys. ने बहुत प्लेन में बैठ के और इस बार हम लोग देखने वाले है कि टोनी स्टार्क कौन सा वाला सूट पहन के आया है तो पहले तो एकदम शुरू आज मतलब कल वाले एपिसोड में उसने तो ओ मेकशीप वाला आर्मर पहना था और इस बार तो कुछ अलग ही आर्मर पहन के आया है सो so गाइस मेरे को तो इस आर्मर का नाम पता है लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है आज का वाला क्वेश्चन यही है कि ये वाला सूट का नाम क्या है ठीक है आई वॉन्ट टू सी कि कौन कौन करेक्ट आंसर देगा जो करेक्ट आंसर देगा डेफिनेटली शॉर्ट आउट देने वाला हूँ तो चलो गाइस मिशन कंप्लीट करते हैं टोनी स्टार्क को अच्छे तरीके से बहुत दिनों से नहीं खेला है तो आज टोनी स्टार्क फुल्ली अलोन फुल्ली अकेले मिशन कंप्लीट करने वाला है देख सकते हो यहाँ पे टेट्स है right. मैं क्या कर रहा हूँ देख सकते हो क्या ऑसम तरीके से मैं इन टरेट्स को उड़ा रहा हूँ ऑल राइट मैं इन टरेट्स को उड़ा लेता हूँ गाइस गाइस तो मैंने सारे टरेट्स को उड़ा दिया है अपने ब्लास्ट बीम के मदद से तो अभी देखते हैं और कहाँ पे है टरेट्स मुझे सामने की ओर जाना है गाइस ओ नो गाइस आप लोग देख सकते हो लेकिन मैं डॉट्स कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो क्या आसान तरीके से मैं डॉट्स कर करके इन सारे टरेट्स को उड़ा रहा हूँ और भी है गाइस वहाँ पे एक टरेट इसको मैं इधर से उड़ाऊँगा एक मिनट और राइट आ जाओ एक ही वार में ख़त्म हो गया वन शॉट बोलते वन शॉट बोलते गाइस और कहाँ पर है ऑलराइट राइट ऊपर भी है और सिर्फ एक ही मिनट बाकी है गाइस सिर्फ एक ही मिनट बाकी है एक मिनट में ही मुझे सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा इधर और एक टेट है और राइट चलो 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 टोनी तो चल जल्दी चलो goes... गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मैंने जैसे टैसे करके एक मिनट में कवर कर लिया है पूरा डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एम्स के हैं है। मुझे इन लोग को मारना पड़ेगा गाइस तो मैं उतर जाता हूँ गाइस क्या मुझे चेस्ट रिपल्सर का यूज करना चाहिए गाइस क्या कहते हो चेस्ट रिपल्सर पर यूज करना चाहिए यस yes, डेफिनेटली करना चाहिए लेकिन मैं इसको पहले मार लेता हूँ गाइस कहा गया ये ये टेलीपोर्ट करता है ना ऑल राइट ये ये लोग मेरे को उकसा रहे हैं ना तो चलो खत्म लेकिन एक ही सिर्फ एक को ही सिर्फ लगा ये पावर गाय साहब लोग देख सकते हो क्या असम तरीके से टोनिस्टा कभी मार रहा है ऑलराइट राइट मुझे हल्क को भी लेकर के आना चाहिए था या कमला खान को ये मैंने मिस्टेक कर दिया कि मैंने उन लोग को उन लोगों को नहीं लाया ओ शिट मुझे बहुत गंदी तरीके से मार रहे हैं ये लोग ओ नो भाई भाई साहब, साहब, क्या होगा अभी? लोग नीचे पहुंच चुके हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा जैसा लग रहा था मेरे को लेकिन ये ठंडा नहीं गाइस ये धुआं था गाइस एंड किसी भी वो यहाँ पे गुंडे लोग आ सकते हैं मतलब रोबोट लोग ठीक है गाइस किसी ने टोनी स्टार का ड्रॉप शिप को भी छुड़ा लिया है गाइस जिसके मदद मतलब से टोनी सर इधर आया था वो शिप यहाँ पे नहीं है गाइस हम लोग आ चुके हैं गाइस अपने हेडक्वार्टर्स पे और टोनी सर कुछ चुरा के लेके आए हैं अपने पास और बोल रहा है कि जार्विस ऐसा कुछ लेकर के आया हूँ मतलब जैकपॉट से कम नहीं है ठीक है हम लोग बन चुके हैं प्रॉपर आयरन मैन गाइस यही तो चाहिए था गाइस कि कब आयरन मैन बनू प्रॉपर वाला आयरन मैन गाइस एंड आप लोग देख सकते हो हम प्रॉपर वाला आयरन मैन बन चुके हैं अब क्या चाहिए गाइस अब मजा आने वाला है गाइस आप लोग देख सकते हो मैं फिर से अकेला ही आ गया मिशन पे एक्चुअली टोनी स्टार्क ने ब्रूस बैनर और कमला खान को बोला था कि इस जगह पे ब्रूस बैनर सॉरी सॉरी इस जगह में टोनी स्टार्क अकेला ही आएगा और ब्रूस बैनर और कमला खान को जाना पड़ेगा एक डिफरेंट लोकेशन पे तो चलो 400 मीटर दूरी पे है आ, क्या करना पड़ेगा पता नहीं चलो देखते हैं गाइस एंड आप लोग को एक कमाल का चीज़ दिखाने वाला हूँ आज और ये चीज़ इतना औसम है ना कि क्या बताऊँ कितना औसम है एक मिनट कोई मार रहा था मेरे को यही मार रहा था आ जाओ आ जाओ ऑल राइट ऊपर तो तुम लोग भी हो ओ भाई मिस हो गया मेरा ब्लास्ट कैनन ब्लास्ट भी इस बार एकदम सटीक निशाने पे लगा ओके ख़त्म तो चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग गाइस ये क्या चीज है ये क्या चीज है गाइस सामने की और एक तरह है इसको भी उड़ा देते हैं उड़ा दिया मैंने वन शॉट बोलते ऑल राइट ओ भाई क्या बचा मैं यार ऑल राइट वन शॉट बोलते गाइस एक एक ही शॉट में हम लोग उड़ा रहे हैं मुझे ओ नो 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 मेरे ऊपर कोई चीज फेंक रहा है मैं लेकिन ब, बच रहा हूं अभी तक ओ भाई ऑल राइट गाइस अभी शायद से मुझे फाइट करने का वक्त आ गया है ओके 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 बच्चा बच्चा आयरन मैन बचा बचा गाइस उड़ाया गाइस आप लोग को वो चीज दिखाऊं क्या सरप्राइज वाला चीज ओ भाई सरप्राइज ओ भाई। वो सरप्राइज चीज आप लोग को दिखाऊंगा गैस एक मिनट बहुत ही खास चीज है वो ओ तो चलो गाइस वो सरप्राइज चीज आप लोग को दिखाई दे रहा दिखा। उस खास चीज को हम मंगवाते हैं गाइस आर यू गाइस रेडी आर यू गाइस रेडी चलो <laughs> ये देखो गाइस हल्क बास्टर चलो अभी गाइस हल्क बस्टर का यूज़ करने वाला हूँ और देखते हैं ओह भाई साहब ये हल्क बस्टर तो हल्की तरह है भाई हल्की तरह मार रहा है गाइस आप लोग देख सकते हो मसल मसल के मार रहा है ओ भाई मेरे को मजा आ रहा है यार हल्क बस्टर यूज करके ओ भाई आप लोग देख सकते हो यार चलो गाइस तो हल्क बस्टर से हम लोग उड़ भी सकते हैं गाइस आप लोग देख सकते हो क्या औसत तरीके से उड़ उड़ा लेकिन इतना भी तेजी से नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि ये हल्क बस्टर है ना बड़ा है चीज ये तो हल्क बस्टर से अभी टोनी स्टार्क निकलने ही वाला है गाइस तो फिर से तोनीस्टाक बनना ही पड़ेगा लेकिन ये चीज़ कमाल का था गाइस ये हल्क बास्ता तो कमाल का था ओके गाइस हम लोग फिर से टोनीस्ट बन गए तो चलो चलते हैं और हमें इधर अभी वेट करना है ओके तो जारविस फिर से हैक कर रहा है गाइस और इधर बहुत सारे एनिमीस आने वाले हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है ये मिशन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी जारविस जल्दी से करो सिक्सटी फाइव परसेंट हो गया है गाइस और एक बड़ा सा रोबोट आ गया है हल्क बास्टर की तरह तो मैं इस रोबोट को भी कैसे हराऊंगा ऑब्वियसली मेरे पास भी हल्क बास्टर है, तो है अभी देखते हैं हल्क बास्टर का सामना कैसे करेगा ये रोबोट आ हाँ, दम ही, तो ही नहीं है यार तुम लोग के अंदर तो दम ही नहीं है हल्क बास्टर को डिफीट करने के लिए आप लोग देख सकते हो ऑल राइट हल्क बास्टर के अंदर भी रिपल्सर है गाइस आप लोग जैसे देख सकते हो स्टर भी रिपल्सर अटैक छोड़ सकता है अपने हाथों से तो जल्दी से करो जर्विस 86 परसेंट हो गया है गाइस ओके आ जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जर्विस, 93 ऑलरेडी डन जल्दी जल्दी ये हल्क बस्टर जाना ही वाला है गाइस फिर से एक बड़ा सा रोबोट आ जाएगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा गाइस नाइनटी गाइस नाइन्टी नाइन यस इट इज डन अब आजा हो <laughs> भाई मैंने इसको टच भी नहीं किया ये तो ऑटोमेटिक उड़ गया गाइस ऑल राइट आ जाओ लगा अब देखो अब देखो गाइस आयरन मैन का स्पीड देखो अब पड़ेगा आयरन मैन ने अपना काम कर दिया है तो हल्क और कमला खान को इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा तो चलो कोई टेंशन नहीं इस बार कमला खान वैसे अच्छा लग रही है एकदम अच्छी लग रही है है ना आ जाओ हल्क इधर आओ हम लोग ओ भाई कमला खान तो बहुत दूर दूर तक जम कर सकते हैं ये मेरे को अच्छा लगता है गाइस गाइस देखो ना क्या ही तरीके से कर रही है एकदम पैरों को फैला के और ये चीज अच्छा लगता है मेरे को ये फुटबॉल <laughs> नो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड मुझे इधर ही जाना है गाइस मुझे ओ ओ, ओ नो, नो नो मुझे इधर नहीं जाना है लेकिन गाइस आप लोग को एक चीज दिखाना पड़ेगा मुझे कमला खान को बड़ा करना पड़ेगा गाइस ओ ये गाइस आप लोग देख सकते हो अब देखो गाइस कितना बड़ा हो गया है कमला खान अबे हल्का जरूरत ही नहीं कमला खान आराम से इतने बड़े रोबोट को हरा देता है गाइस देखा बड़ा होके और देख सकते हो ओ भाई हल्क तो क्या ही ओपी ओपी पत्थर फेंक रहा है और इसको तो मैंने हवा में ही उड़ा दिया गाइस आप लोग देख सकते हो भाई साहब कमला खान तो ओपी है और एक फुटबॉल किक हो जाए हो जाए एक फुटबॉल किक आ जाओ <laughs> हल्क मारो मैं इन लोगों को आगे से मारता हूँ चलो चलते हैं हल्क चलो चलते हैं गाइस हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं तो आप लोगों ने तो देखा कि कमला खान ने क्या ही औसम तरीके से बड़ा बन करके इतने बड़े बड़े रोबोट्स को बहुत ही ईजिली हरा दिया है हरा दिया था मतलब तो कमला खान ओपी हो जाए गाइस इन लोग को किसने मारा गाइस इन लोग को तो मैंने नहीं मारा था गाइस हल्क ने मारा क्या नहीं गाइस तो इन लोग को किसने मारा है गाइस कोई और भी है क्या यहाँ पे एवेंजर्स कोई और भी है यहाँ पे एवेंजर्स के आई गैस सो गैस आप लोग देख सकते हो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे कुछ करना है गाइस ऑलराइट गाइस मिल चुका है जो चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिल चुका है गाइस हल्क विन इप हल्क को देख के ही सभी लोग डरते हैं यार हल्क है बैकअप लाओ नहीं तो हार्क मार डालेगा ना तो हार्क हल्क तो ऐसे वैसे भी मार ही डालेगा यार लेकिन मैं तो तुम लोग को दूर से ही मार सकता हूँ ओ भाई इन लोग को मार नहीं पा रहा हूँ गाइस ये कैसे हो सकता है ऑल राइट right, ये ले क्या मैं इस पिलर में चल ओ ग इस पिलर में भी चल सकता हूँ आप लोगों ने देखा तो मैं पिलर की मदद से इसको मार रहा हूँ गाइस ओ ऑसम ये ऑसम लगा मेरे को ये चीज़ तो आप लोग देखना एक चीज़ ठीक है मैं पिलर में चल के एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी पिलर नहीं अभी इस गोडा में चल के इसको मारना पड़ेगा ऐसे ही मार दिया गाइस मैंने ऑसम तरीके से आप लोगों ने जैसे देखा मेरे पास अभी एक भी पावर्स एक्टिवेट नहीं है मतलब मेन पावर्स लेकिन मैं इसको मैं मार सकता हूँ इसका सील मैंने गिरा दिया तो आराम से इसको अभी मार पाएंगे ओ ये भाई कमला खान क्या ही हिट कर रही है ओ ओ भाई साहब मैं आ गया हूं और कमला खान ने एक किक के साथ उस बड़े से रोबोट को मार गिराया गैस मजा आ गया गैस बहुत ज्यादा मजा आ गया गैस आप लोग देख सकते हो इंटेंस फाइट के बाद दोनों ही थक के बैठ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो सीनियर ही भी बहुत कमाल का है यार और गाइस मैंने कल आप लोग को एक चीज बोला था ना हल्क अपना टी शर्ट कैसे रिजनरेट कर लेता है गाइस हल्क अपना टी शर्ट मतलब शर्ट को रिजनरेट नहीं करता आप लोग देख सकते हो उसका शर्ट फट गया था और वो अभी एक शील का जैकेट पहना हुआ है तो उसके पास और भी शर्ट्स हैं ठीक है मतलब वो एक ही कलर के शर्ट पहनता है इस गेम में ओके okay, तो कमला खान ये बोल रहे कि इतने सारे लोग उस धमाके में अफेक्टेड हो गए थे इन इतने सारे लोगों के पास सुपर पावर्स है लेकिन हम लोगों को क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं क्यों चिपके बैठे हैं वो सारे लोग यही बोल रहे हैं ये तो सच बात है ना गाइस अगर आप लोग के पास पावर्स है और आप लोग चिपके बैठे हो डैन डैट इज नॉट गुड ना आप लोग को भी घर से निकल के आना चाहिए और फाइट करना चाहिए गाइस जैसे कमला खान कर रही है अभी गाइस हम लोग हैंक के पास आए हैं गाइस हम लोग एंटमैन के पास आए हैं गाइस एंटमैन गाइस एंटमैन भी आ चुका है मतलब एंटमैन हैंक मतलब वो बूढ़ा आदमी ठीक है ये बूढ़ा आदमी वाला हैंक है ठीक है और इसी ने एंटमैन को बनाया है लेकिन शायद से इस गेम में ये जवान है इसका मतलब समझे कि यही है एंटमैन गाइस इस गेम में तो मजा आने वाला है गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तो एंड मैन भी बनने वाले हैं इस गेम में और क्या चाहिए गाइस हम लोग एक के बाद एक सुपर हीरोज़ को फाइंड कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हो इस जगह में तो बहुत सारे सुपर हीरोज़ गाइस तो कमला खान थोड़ी हीरो पहले बोल ही रही थी कि कहाँ गए वो सारे लोग जिनके पास सुपर पावर्स है धमाके में तो बहुत सारे लोग एफेक्टेड हुए थे यस yes, गाइस yes. तो इन ह्यूमंस यस तो ये सारे लोग अभी हम लोगों को हेल्प करने वाले हैं शायद से अभी कमला खान के चेहरे में एक मुस्कुरा मुस्कुराहट आ गई है एंड यही तो चाहिए था मेरे चेहरे में भी एक स्माइल आ गया है गाइस ये सब चीज़ें देख के और मेरे को अभी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये गेम तो कोडेक्स फाइल एंड हिल गाइस ये एंड हिल है आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे सारे ओ गाइस ओके okay, ये पोर्टल गाय है आप लोग देख सकते हो ये पोर्टल बना सकता है योर पावर्स आर ऑसम सो so गाइस आज के लिए बस इधर ही रखते हैं इधर ही समाप्त करते हैं एपिसोड को वैसे गाइस 1:30 थर्टी को आज एक पोकेमन का एपिसोड आने वाला है गाइस आज से पोकेमन सीरीज भी शुरू होने वाला है लेट्स गो पिकाचू वाला तो जरूर से उसको देखना मिस मत करना और क्वेश्चन का भी आंसर देना अगर आप लोगों को सबसे अच्छा ये नेक्स्ट वीडियो में तो क्वेश्चन था ये कि आज जो आयरन मैन पहला सूट पहना था वो कौन सा वाला सूट था और सूट का नाम क्या था आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है और मैं आप में से तीन सब्सक्राइबर्स को सिलेक्ट करके आउट देने वाला अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड आप लोग अच्छे से रहो गाइस मजे में रहो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस